लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीआरके सिंह पटेल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक नरेनी श्रीमती ओममणि वर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, पूर्व सांसद श्री रमेश द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित नरेनी और बांदा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे कालिंजर की इस ऐतिहासिक विरासत की भूमि, देवादिदेव महादेव नीलकंठ की इस पावन धरा पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 आज चौथे चरण का भी मतदान हो रहा है। तीन चरण पहले पूरे हो चुके हैं जिनमें 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। तीसरे चरण में आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और आप जान ही रहे होंगे पूरे देश के अंदर एक ही स्वर है, एक ही लहर है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार लोग क्यों लाना चाहते हैं? देश के अलग अलग राज्यों में जो हम जाते हैं तो जनता जनार्दन एक ही बात कहती है और कहती है जो राम को लाए हैं, और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब इस चुनाव की चर्चा होती है तो मैं कहता हूं ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में वर्तमान में चला गया है। मोदी जी की सफलता पर केवल दो लोगों को, दो प्रकार के लोगों को आपत्ति है। एक आपत्ति वे व्यक्त कर रहे हैं जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान, बाकी पूरा हिंदुस्तान मोदीमय हो चुका है और मोदी लहर आज के बाद सुनामी बनने की ओर अग्रसर है और उसी सुनामी में आपको भी अपने साथ जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, हमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नया बुंदेलखंड भी दिखाई देता है। अब तो बुंदेलखंड बदल गया है। आप सोचो, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहां के युवकों के हाथों में तमंचे पकड़वाए थे और हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट पकड़वाने का काम किया है, टैबलेट। अब टैबलेट से स्मार्ट युवा और स्मार्ट युवा से डिफेंस कॉरिडोर का सपना साकार हो रहा है चित्रकूट में। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था आज से 7 वर्ष पहले कि बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे बनेगी? आज एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना। अब दिल्ली जाना हो तो फर्राटा मारते हुए आप भी सीधे दिल्ली और लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा पहले बुंदेलखंड में क्या स्थिति बना के रखी थी इन लोगों ने,
यहां के संसाधनों को लूटते थे, बुंदेलखंड को, हमारे बुंदेलखंड को, बांदा को, चित्रकूट को बदनाम करते थे और यहां के लोगों को प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देते थे। आज तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है ना। हमने कहा था हर घर नल की योजना से बुंदेलखंड को संतृप्त करेंगे। हमने कहा था बुंदेलखंड में विकास की वह हर योजना लेकर के आएंगे जिससे बुंदेलखंड वंचित था। और आज बहनों और भाइयों अपार संतुष्टि होती है बुंदेलखंड के विकास करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु राम को संकट के समय आश्रय दिया था चित्रकूट ने, बुंदेलखंड ने, इसलिए उसके प्रति मोदी और योगी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विकास करा करके यहां के नौजवानों के चेहरे पर, यहां के अन्नदाता किसानों के चेहरे पर, यहां की माता और बहनों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों आज ये नया भारत है। नया भारत एक तरफ दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। अब कोई दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ नहीं करता है, आज देश के अंदर आतंकी घटनाएं नहीं घटित हो सकती है। आज आप देख रहे होंगे पहले आतंकी वारदात कांग्रेस और सपा की सरकार में होता था तो इन लोगों के पास एक ही जवाब होता था, ये कहते थे, क्या कहते थे, कहते थे आतंकवाद सीमा पार से हम क्या करेंगे। और आज थोड़ा जोर से भी विस्फोट हो जाए ना पटाखे का तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। आज बहनों और भाइयों विकास भी है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज और हर घर नल की योजना, डिफेंस कॉरिडोर भी है और विकास की वे सभी योजनाएं जो आज हर चेहरे पर खुशहाली ला सकती है, हर नौजवान को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकती है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं, 80 करोड़। और बहनों और भाइयों पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 23 से 24 करोड़, कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने, पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है, कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। बहनों और भाइयों मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक नया भारत है, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे, 60 करोड़ लोग आज देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश में तो यह भी व्यवस्था की है कि अगर हमारा विधायक, हमारा सांसद, कोई पदाधिकारी या कोई पीड़ित लिख देता है कि साहब मैं बीमार हूं
आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, उपचार कराना है तो मैं जनधन अकाउंट में उसका सीधा पैसा भेजता हूं, कहता हूं उपचार कराइए, सरकार सारी देखभाल करेगी। बहनों और भाइयों, ये सारी सुविधा हम यूपी में दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, और 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास भी प्राप्त हो गया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है जितने लोग बाकी बचे हैं मकान के लिए, कॉलोनी के लिए, अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, 70 वर्ष के हर व्यक्ति, ऊपर के हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना करके उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि जिसके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं, उसके घर में भी सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। बहन और भाइयों, ये हुई विकास के कार्यों को और गरीब कल्याणकारी कार्यों का लाभ। क्या किसी का चेहरा देखा गया? क्या योजना का लाभ जाति मत और मजहब देख करके नहीं, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर देश की सेवा की। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो एक तरफ विकास भी नहीं करा पाए, गरीबों का कल्याण भी नहीं करा पाए, और जब अवसर मिला था सत्ता में रहने का तब क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते थे? अभी भी इनके वक्तव्य आ रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप समर्थन करते हैं? तो ये कांग्रेस और सपा के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, इन लोगों की नीयत देश के प्रति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो इस बात की गवाही दे रहा है। आज कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन आज कहता है कि अगर सत्ता में आए तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बांट करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय इस प्रकार की शरारत करने का प्रयास किया था, जब उसने जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित करके ये प्रयास किया था, तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विरोध किया था और कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो इसलिए भारत के अंदर मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। तब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण बच पाया था। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग फिर से वही षड्यंत्र करने में लिप्त हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दूसरी बात कही, कहा कि सत्ता में आएंगे एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी को इतनी बुद्धि कहां से आ गई, मैं तो ये नहीं समझ पाया। कहते एक झटके में मिटा देंगे, कहां से एक झटके में आप मिटाएंगे? तो अब वो कहते हैं कि हम संपत्ति सर्वे करवाएंगे, यानी आपकी संपत्ति का कांग्रेस और सपा के लोग सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवाने के बाद फिर वे आपकी संपत्ति को एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स, विरासत टैक्स का मतलब जितनी प्रॉपर्टी आपकी है, इस प्रॉपर्टी में से आधा सपा और कांग्रेस के गुंडे हड़प लेंगे और आपको कहेंगे कि ये हमने विरासत टैक्स आप पे लगाया है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या
अरे आपके पूर्वजों की कमाई, बाप दादों की कमाई, और एक कांग्रेस और सपा के गुंडे कहां से उसमें टकेती डालने के लिए आ जाएंगे? क्या अभी इनको छूट देंगे? क्या छूट देंगे? लेकिन ये करना चाहते हैं। और तीसरा कार्य करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है, उसने क्या कहा है? कहा है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस का इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, लालू और ये सभी लोग अगर सत्ता में आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, जो बहुसंख्यक खाता है वही अल्पसंख्यक भी खाता है, रोटी वह भी ये भी खाता है वो भी खाता है, चावल ये भी खाता होगा वो भी खाता होगा, पकवान अलग अलग सब लोग एक साथ खाते हैं। एक जगह मतभेद होता है, और मतभेद होता है भारत का बहुसंख्यक समाज गौमांस नहीं खाता है, लेकिन मुसलमान गौमांस जबरदस्ती खाने का प्रयास करता है। क्या आप कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे? क्या छूट देंगे? अरे राम मंदिर से जो पुण्य कमाया है यह भी चला जाएगा अगर गौ हत्या होगी तो, और इसलिए पाप को कांग्रेस और सपा को करने की छूट नहीं देंगे। सहमत हैं? आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, यहां से कितने लोग अयोध्या गए थे? वाह भाई, पूरा नरेनी जा चुका है, लेकिन बाकी जो बचे हैं, मैं आर के पटेल जी को भी, श्रीमती ओम मणि वर्मा जी को भी, और श्री प्रकाश द्विवेदी से भी कहूंगा, बाकी लोगों को चुनाव के बाद एक बार अयोध्या दर्शन जरूर करवा के लेके आ जाइए। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या जाएंगे ना, आज अयोध्या जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु राम के समय की अयोध्या साक्षात आ गई है। कितनी अच्छी सही चमक गई है अयोध्या। अब एक तरफ राम भक्त है, दूसरी तरफ राम द्रोही है, एक तरफ विकास के कार्य कराने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ विकास में रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, एक तरफ गरीब कल्याण कार्य वाली भाजपा है और दूसरी तरफ गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाली सपा और कांग्रेस और बसपा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले इन राम द्रोहियों को कतई सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। आतंकवादियों के पैरोकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कतई समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। आपको आने वाली पीढ़ी के सामने कहने का एक आज के दिन पर आपके पास अधिकार है। आप वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि देखिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने रामलला को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। इस पीढ़ी को इस लोक में और पूर्वजों को परलोक में जाकर के हम कह सकते हैं कि देखिए, आपकी जो आस थी, आपका जो संकल्प था, उसकी प्रतिपूर्ति हमने कर दिया है। बहनों और भाइयों, यह संकल्प और पुण्य जो आपके साथ जुड़ा है, अगर हमारे वोट से गौ हत्या होती है, हमारे वोट के कारण देश की सुरक्षा में आ जाती है, हमारे वोट के कारण अगर देश में जाति और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, तो बहनों और भाइयों, आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। और आज तो ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, पहले क्षेत्र कितना त्रस्त रहता था, माफिया अलग थे, डकैत अलग थे, आज तो बहनों और भाइयों आप देख सकते हैं, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हर घर में राम नाम का संकीर्तन है और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है ना। तो यही होना चाहिए ना। आप सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं? तो बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, विकास की जो गति आज बुलेट ट्रेन की स्पीड से बुंदेलखंड में आगे बढ़ रही है, बांदा और चित्रकूट के अंदर बह रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए सीआरकेएस पटेल फिर से सांसद आवश्यक हैं।
सहमत हैं? सहमत हैं? आपसे मेरी अपील है, जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जो लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, जो लोग गरीबों के हकों पर डकैती डाल रहे हैं, जिन लोगों ने बुंदेलखंड को पेयजल के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने यहां के खेतों को सूखा रहने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने यहां के युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, जैसे उन्होंने आपको प्रताड़ित किया, ऐसे इनको वोट के लिए तरसाने का काम आप करिए, करेंगे करेंगे। और इसके लिए मैं आया हूं, एक कमल खिलाइए, बुंदेलखंड को विकास और समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाइए। पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे। तो फिर मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश की समृद्धि के लिए एक बार फिर मोदी सरकार। वक्त आप सुन रहे थे जो कि संबोधित कर रहे थे चुनावी जनसभा को बांदा में, और वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया। बांदा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे चुनावी जनसभा की। तो बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको, बांदा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।